तो अब वो डीलर किस पे डिपेंड है? चाइनीज कंपनी पे। चाइनीज कंपनी 3-4 साल बाद उसका स्पेयर पार्ट ही नहीं बनाती, बनाती है तो अलग बनाती है, ठीक है, तो वो इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा, इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा तो कंपनी को नहीं दे पाएगा, कंपनी को नहीं दे पाएगा तो कंपनी डीलर को नहीं दे पाएगी। मतलब आज जितनी गाड़ियां बेची है या जितनी गाड़ियां, तो वो 2-3 साल का खिलौना समझ के कस्टमर ने भी यूज करना है, डीलर ने भी वही सोचना है, और बेचते समय भी वही बताना है, बेचते समय भी वही बताना है कि ये 10 साल यूज, 15 साल यूज होने वाली गाड़ी नहीं है। 3 साल की चर्ची सी वारंटी देती बेचते हैं, 3 साल बाद खत्म होना है काम, बराबर है? या आप 2-3 साल का खिलौना ले रहे, यूज करो, मजे करो, कंपनी का वारंटी करता हूं, गाड़ी करता हूं। तो ये चैलेंज आज सबसे बड़ा है। मतलब आज जितना दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोग काम कर रहे हैं, 80% लोगों ने ऑलरेडी आके काम छोड़ के भाग गए। इसलिए नहीं कि वो पैसा नहीं कमा रहे, इसीलिए कि कस्टमर को जो सर्विस देनी है वो सर्विस दे नहीं पा रहे। इनकी भी इच्छा है देने की, अच्छा कस्टमर को भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आपकी और उसकी नहीं जमती है तो वो दूसरी जगह जाके मिल भी नहीं सकता है, तो इस मजबूरन आपको ही परेशान करना पड़ता है। उसको मार्केट में अगर ऑप्शन होता था ना, तो वो बोलता था कि चल नहीं दिया कोई टेंशन नहीं, तेरा दोबारा मुंह नहीं देखूंगा, दूसरे के पास जाके काम करता हूं। वो भी ऑप्शन नहीं है, तो उसको कितना भी गुस्सा है, कुछ भी हो जाए, पूरा आप पे ही निकालना है जितना भी तकलीफ होगा। तो इस पॉइंट की वजह से आज बहुत सारे शोरूम्स ओपन होके बंद हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं, गाड़ियां बिकती नहीं है इसलिए नहीं, बेचने के बाद जो तकलीफ झेलनी पड़ती है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, जब नॉलेज नहीं है तो इंसान क्या करता है, कुछ भी कर, गाड़िया पहचान वाले को बेचता है। वही ज्यादा जान खाते हैं। और सबसे खतरनाक कौन होते हैं? पहचान वाले, हमेशा फोन करते रहे, बराबर है, दूसरी जगह से लेगा तो इतनी तकलीफ नहीं देगा, बट गलती से हम पहचान वाले और हमने उसको बेचा है तो, अच्छा कुछ बोल भी नहीं सकते, झगड़ा भी नहीं कर सकते, बराबर है ना? और ज्यादा लोग तो ससुराल के रिलेशन वाले होते हैं। बराबर है ना? तो वहां पे तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए लोग परेशान होते हैं, बिजनेस को स्टॉप कर रहे, बंद कर रहे। तो ये इनिशियल स्टेज में इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में ये होता ही है। तो एक तो एजुकेट होके प्रॉपर काम करना जरूरी है, सोच समझ के, या फिर जो हो रहा है जैसे हो रहा है लड़ते रहो, आज ये नहीं तो कल वो नहीं तो वो, कहीं ना कहीं जाके मतलब ग्रे मार्केट वाला काम। वो अभी नहीं आएंगे, 2-3 साल बाद आएंगे, बट वो पूरे सिस्टम, देखो ये लोग गवर्नमेंट जब तक इस्टेब्लिश नहीं होती है ना, सिस्टम जब तक इस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक ये लोग नहीं आएंगे। अभी जो मेजोरिटी अब यहाँ पे कुछ पार्ट बना रहे, थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे, बट यूनिक पार्ट है ना। आज ओला ने बोला हम सर्विस देंगे और हम स्पेयर पार्ट देंगे, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, क्लियर? क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं चलती।